गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अरबाजी खान। आज हमारे साथ में ये अफरोज़ भाई, अफरोज़ ब्लॉग्स, और हम लोग आए हैं मोहम्मद अली रोड पे। यहाँ पर अभी हम सुबह में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, और आज का हमारा ब्लॉग जो है तो कुछ अलग है, तो वीगन ब्लॉग मत देखना और नॉन वेज लवर ज़रूर देखना है ब्लॉग, जिसको नल्ली निहारी पसंद होगी। तो अभी सुबह सुबह निकले हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए, तो हम लोग जाने वाले हैं पहले नूर मोहम्मदी होटल, जो कि जे फ्लाईओवर के नीचे है। उसके बाद में हम जाने वाले हैं जे जलेबी, तो देखते हैं दोनों जगह कैसा टेस्ट है, नूर मोहम्मदी होटल क्यों इतनी फेमस है। का जो टेस्ट है वो उनकी तीन पीढ़ी से सेम टेस्ट चलते आ रहा है, और यही टेस्ट को देखते हैं इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और साथ ही साथ इनके पास एक डिश है चिकन संजू बाबा, जो कि खुद संजू दत्त की रेसिपी है। तो भैया, अभी अपने पास नाश्ते में क्या क्या अवेलेबल है? नाश्ते में आपको नहारी, नल्ली नहारी, शाही प्लेट है, बड़े का पाया है, नल्ली पाया है, दाल घी है, भेजा है, कीमा है, तो सब आपको मिलेगा। यह है नल्ली निहारी, काफ़ी फेमस है ये भी, स्पेशल लोग सुबह में नाश्ता करने के लिए आते हैं। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं हम भी कैसा है। वाह, मज़ा आ गया खाके। सही है जो सुना था ना, बराबर है। अफरोज़ भाई कैसा लगा? बेस्ट, बेस्ट। यहाँ के मैनेजर है नूर मोहम्मदी होटल के, तो ये बताएंगे हमको अभी यहाँ की मतलब करंट टाइमिंग क्या है, अभी कोविड के जो चलते क्या है इनका, अभी अपनी टाइमिंग क्या है सर? अभी हमारा मॉर्निंग टाइम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 6 से रात के 10 बजे तक डाइनिंग टाइम। डाइनिंग टाइम, ओके। और आपका पार्सल? पार्सल 1 बजे तक दे सकते हैं हम, पार्सल 1 बजे तक चालू रहता है रात में जी। ओके, और आपका जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड किया है या नहीं किया है? हमारी स्टाफ सर वैक्सीनेटेड है, सबके पास देखिए लगा हुआ है सर। वाकई में लाजवाब टेस्ट है, हमारा इतना खाने का इरादा नहीं था, मगर वो टेस्ट की वजह से मतलब खाते ही चले। अभी आगे भी अपने को और ब्लॉग्स करना है, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना है, तो अब देखते हैं वहाँ जाता है या नहीं जाता, क्योंकि अभी इतना हो गया मतलब टेस्ट उसको फाइव स्टार, एकदम टेस्ट को फाइव स्टार। ये हमारे अफरोज़ भाई, अफरोज़ ये तुमको बताएंगे। और ये होटल ना तो और एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, मतलब इनके पास एक डिश है उसका नाम है संजू बाबा, तो चिकन संजू बाबा, तो वो संजय दत्त ने एक रेसिपी दिया है, तो इसलिए वो भी फेमस है। अभी तो हमने ट्राई नहीं किया चिकन संजू बाबा, बट रात में हम पक्का आएंगे इधर और वो ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। अभी थोड़ा डेजर्ट हो जाए, तो डेजर्ट के लिए हम आए यहाँ पे, ये जे जलेबी। डॉक्टर जलेबी ऐसी है, अच्छा बताओ हमको भी बताओ थोड़ा सा। बेस्ट है भाई, बेस्ट बेस्ट, आखिरी खत्म है, खत्म भाई, डेजर्ट के लिए बेस्ट है, डेजर्ट इम्पोर्टेंट। और डेजर्ट के नाम से अगर यहाँ पर जे की जलेबी बोले तो खत्म, इसीलिए ब्लॉग में डालना वो ज़रूरी है। तो गाइस, ये है जे जलेबी, मुंबई की जे जलेबी फेमस। ये हमारे साथ में उनके ओनर हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम अफरोज़ है, और हम लोग यहाँ पर जे जलेबी के ओनर थे।
ये जो जिलेबी 1947 से चलते हुए आ रहा है, लोगों को अपनी मिठाइयों के बारे में बहुत फेमस है यहाँ पर। अगर किसी को खाने के बाद में या खाने के पहले कभी भी स्वीट्स खाना है तो वो डायरेक्टली आ जाता है जेजे जिलेबी से। जेजे जिलेबी ऐसी चीज़ है कि जैसे कि हर एक ब्रांड अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, वैसे जेजे जिलेबी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुआ है। सिंस 1947 से लेके आज तक के हम लोग हमारी क्वालिटी को मेंटेन करते हुआ है। यहाँ पर आगे हम लोग की मेन ब्रांच थी जेजे के सिग्नल पे, वहाँ से जगह डेमोलिश में चले गए एसबीडी के तौर पर, तो वहाँ से जेजे जिलेबी अभी सुरती मोहल्ले के सामने आया हुआ है, यहाँ हम लोग ने शिफ्ट किया हुआ है। इसका जो लैंडमार्क है यहाँ पर सबसे कैफे पैराडाइज होटल है, उसके सामने की लैंडमार्क को सीधा आना सुरती मोहल्ले, किसी को भी पूछना है सुरती मोहल्ले के जस्ट सामने अपनी दुकान है। अगर कभी भी मिठाई खाने का दिल हो डायरेक्टली जेजे जिलेबी पे। और सर आपका मतलब आपकी कितने ब्रांचेस हैं यहाँ पर, आप बता सकते हैं? कुल मिला करके हम लोग की 4-5 ब्रांचेस है, जैसे कि हेड ऑफिस यही अपनी दुकान यहाँ MS अली रोड पे, और उसके बाद में 2 कुल्ला में ब्रांच है, स्टेशन के सामने एक है, कल्पना थिएटर के सामने एक है, और एक बुमरा में ब्रांच है हमारी नशेमन कॉलोनी के नीचे, और उसके बाद में एक मीना रोड में एक ब्रांच है स्टेशन के नीचे, स्टेशन के पास में। अगर आप घर बैठ के भी ऑनलाइन करना चाहते हो तो स्विगी जोमेटो दोनों पे अवेलेबल है, आप इस पे दोनों ऑर्डर कर सकते हो। और सर एक और मेरा ये था कंसर्न, जैसा आपके अलग अलग ब्रांचेस है, सब ब्रांच में सेम टेस्ट मिलेगा? सब ब्रांच में सेम टेस्ट मिलेगा, सब ब्रांच में, कोई भी ब्रांच में अलग टेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे जो भी कारीगर है बनाने वाले वो वेल ट्रेंड कारीगर है, आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी वही मिलेगी। सर जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चालू है, तो इसमें आप क्या प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं? सर हमारे जितने भी यहाँ पर स्टाफ है उन सबको सुबह ड्यूटी पे खड़े होने के पहले हम लोग उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं, अगर किसी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। टेम्परेचर चेक करने के बाद में उनको सैनिटाइजर वगैरह किया जाता है, शॉप को भी सैनिटाइजर किया जाता है, बाहर से भी अंदर से भी जितना भी है सैनिटाइजर करे, और सैनिटाइजिंग होने के बाद में ही हम लोग दुकान को चालू करते हैं। और यहाँ पर साफ सफाई सबसे बड़ा हमारा एम है कि क्वालिटी बाद में, सबसे पहले साफ सफाई, साफ सफाई रहेंगी तो कोरोना जैसी कोई चीज़ हमारे यहाँ पर नजदीक में आएगी नहीं, तो हम लोग उसको हमेशा मेंटेन करते हुए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके पास में जलेबी खा के। एंड दिस इज द फेमस मावा जलेबी, इट्स जस्ट लाइक अ वाव। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, फूड व्लॉग नल्ली निहारी एंड जेजे जलेबी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अरबाजी खान साइनिंग ऑफ।